थैंक यू सो मच. गुड मॉर्निंग एवरीवन. आज का ये सेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और आसान से टॉपिक पे बनाया जा रहा है. आसान इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसको दुनिया बहुत मुश्किल समझती है, मगर ये बेसिकली बहुत आसान टॉपिक है. आप देख सकते हैं नाम है आज के सेशन का या आज के टॉपिक का, बेयर इन्फिनिटिव्स. करेक्ट. जिन बच्चों ने नहीं सुना है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, और जो सुन चुके हैं इसका नाम उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो. तो बहुत इत्मीनान के साथ सुनिएगा. एक कॉपी रख लीजिए, पेंसिल रख लीजिए. आप वीडियोस को ऐसे देखिए जैसे आप कोई क्लास अटेंड कर रहे हैं. ठीक है, तो पहले बात कर लें हम कुछ कुछ, उसके बाद फिर ये जो इन्फिनिटिव टर्म है, ये इन्फिनिटिव, ये असल में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का नाम है. V1 को इन्फिनिटिव कहा जाता है, वर्ब का पहला फॉर्म. आपको पता है कि वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं, उसमें वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है वो इन्फिनिटिव है. इसको बेस फॉर्म भी कहते हैं, इन्फिनिटिव भी कहते हैं. अब ये बात हम लोगों को पता है कि कुछ लोगों को ये पता है, एहसास है अच्छी तरीके से, कि वर्ब जब हम इस्तेमाल करते हैं सेंटेंस के अंदर, तो एक वर्ब वो होता है जिससे हमको टेंस का पता चलता है. लेकिन ऐसे भी वर्ब्स हो सकते हैं सेंटेंस के अंदर जिसका टेंस के साथ कोई संबंध नहीं है, या फिर एक वर्ब वो होता है जिसके लिए सीधे तौर पे एक सब्जेक्ट होता है सेंटेंस में, और एक वर्ब वो होता है जिसके साथ सब्जेक्ट का कोई सीधा संबंध नहीं है. तो आज हम लोग बातचीत करेंगे इन्फिनिटिव के बारे में. तो उसके पहले छोटा सा पॉइंट डिस्कस करना चाहते हैं. मैं दो सेंटेंसेस लिख रहा हूं यहां पर, आप गौर से देखिएगा. मैंने कहा आई वॉन्ट टू गो, सिंपल सा सेंटेंस. और मैंने फिर लिखा यहां पे ही वॉन्ट टू गो. तो जो भी बच्चे थोड़ी भी अंग्रेजी जानते हैं उनको लग गया कि दूसरा वाला सेंटेंस गलत है. वॉन्ट नहीं, यहां पे मुझे वर्ब जो चाहिए था वो था वॉन्ट्स, क्योंकि ये एक फाइनाइट वर्ब. सारी बात समझेंगे हम लोग एक एक करके. कोई भी नया टर्म इस्तेमाल करूं मैं तो आप उसको देख करके डिस्करेज मत हो जाइएगा कि ये क्या बोल दिया मैंने. जो मैं बोल रहा हूं एक एक बात समझाऊंगा भी, इत्मीनान के साथ आप वीडियो देखते रहिए. तो इस वर्ब का ताल्लुक ही के साथ है, ही सेंटेंस का सब्जेक्ट है. इस वॉन्ट का सीधा सीधा रिलेशन आई के साथ है और आई सेंटेंस का सब्जेक्ट है. सब्जेक्ट कहते हैं उस नाम को, उस नाउन या उस प्रोनाउन को जिसके बारे में हम सेंटेंस के अंदर बात करते हैं. तो मैं फर्स्ट सेंटेंस पे अपने बारे में बात कर रहा हूं. आई वॉन्ट टू गो, मैं सब्जेक्ट हूं. ही वॉन्ट्स टू गो, यहां पे ही सब्जेक्ट है. गौर क्या किया आपने, यहां पे एक वॉन्ट एक वर्ब है, जाना एक क्रिया है, सॉरी वॉन्ट एक वर्ब है, वॉन्ट का मतलब चाहना, और टू गो भी एक वर्ब है, इसका मतलब जाना. तो मैं जाना चाहता हूं, वह जाना चाहता है, ये भी वर्ब है और ये भी वर्ब है. क्या गौर किया मैंने, जब मैंने आई को ही से बदल दिया तो पहला वाला वर्ब वॉन्ट बदल के क्या हो गया, वॉन्ट्स. लेकिन दूसरा वाला वर्ब टू गो जैसा था वैसा ही रह गया. इसका मतलब ये क्या हुआ, इसलिए एग्जाम्पल ये प्रूव करता है कि ऐसे भी वर्ब्स होते हैं जो सब्जेक्ट के साथ उनका कोई रिलेशन नहीं होता है, उसकी वजह से वो बदलेंगे नहीं. अगर मैं ये दिखाना चाहूं तो इस सेंटेंस में दो वर्ब है, एक बदलता है एक नहीं बदलता है. ये फाइनाइट और ये नॉन, इसको कहते हैं जो बदल जाते हैं वर्ब उनको कहा जाता है फाइनाइट वर्ब. क्या कहते हैं, फाइनाइट. और जो नहीं बदलता है वर्ब उसको कहा जाता है नॉन फाइनाइट वर्ब. हम शॉर्ट में इसको NFV लिख रहे हैं. ठीक है, तो ये तो बेसिक बात होगी. अब जब नॉन फाइनाइट वर्ब के तौर पे मैंने देखा वर्ब का पहला फॉर्म, यहां जैसे गो क्या है वर्ब का पहला फॉर्म, इसी वाले वर्ब का नाम इन्फिनिटिव है. और आज हम इन्फिनिटिव को एक नॉन फाइनाइट वर्ब के तौर पे पढ़ेंगे. देखो वॉन्ट भी V1 है, गो भी V1 है. फर्क क्या है कि पहला जो वॉन्ट है वो टेंस दिखाता है या उसका सब्जेक्ट के साथ संबंध है, तो इस V1 को हम बोलेंगे फाइनाइट. और गो जिसका टेंस के साथ और सब्जेक्ट के साथ कोई
रिलेशन नहीं है इसको हम यहां पे बोलेंगे नॉन फाइनाइट। दोनों इंफिनिटिव है, ये भी इंफिनिटिव है, ये भी इंफिनिटिव है। वर्ब का पहले फॉर्म का नाम है इंफिनिटिव, लेकिन मैं आज इस इंफिनिटिव को किस तरह से पढ़ना चाहता हूं, एज अ नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब का मतलब वो वर्ब जिसका सेंटेंस के टेंस के साथ और सब्जेक्ट के साथ कोई कनेक्शन नहीं होता। तो पहली चीज है हम लोग ये समझ जाएं कि इंफिनिटिव वर्ब के पहले फॉर्म का नाम है, ये फाइनाइट भी हो सकता है और नॉन फाइनाइट भी हो सकता है। हम आज इस वर्ब के पहले फॉर्म को एक नॉन फाइनाइट के तौर पे डिस्कस करना चाहेंगे। इतनी बात समझ में आ गई होगी, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब एक एग्जांपल और लेते हैं, नोट देखिएगा। मैंने कहा ही वॉन्ट्स टू मीट यू, और फिर मैंने कहा शी मेड मी राइट एन एप्लीकेशन। अच्छे से सुनिएगा गौर से, तो यहां पर गौर करो, ही वॉन्ट्स टू मीट यू, ये भी वी वन, ये भी वी वन। अब इस सेंटेंस के टेंस को बदल दिया जाए, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसको पास्ट इंडेफिनिट में कर देते हैं, क्या बन जाएगा, ही वॉन्टेड टू मीट यू। ये बदल गया, ये नहीं बदला। जो बदल गया वो फाइनाइट वर्ब है, जो नहीं बदला वो नॉन फाइनाइट वर्ब है, करेक्ट। फिर देखो यहां पे, शी मेड मी राइट एन एप्लीकेशन, मेड वर्ब का सेकंड फॉर्म है और राइट वर्ब का पहला फॉर्म है, तो फाइनाइट कौन हुआ, राइट। लेकिन अब ये भी हम चेक करेंगे कौन, सॉरी इंफिनिटिव कौन हुआ, राइट। अब ये भी हम चेक करेंगे कि कौन फाइनाइट है कौन नॉन फाइनाइट है। इस सेंटेंस का टेंस बदल दो। फाइनाइट वर्ब चेक करने का बेस्ट तरीका है ये देखो कि कौन से वर्ब से तुम्हें सेंटेंस के टेंस का पता चल रहा है। जिस वर्ब से सेंटेंस के टेंस का पता चलता है उसी वर्ब को फाइनाइट वर्ब कहते हैं। एकदम आसानी के साथ ऐसे समझ, ठीक है। तो शी मेड मी राइट एन एप्लीकेशन, तो जाहिर सी बात है मेड सुन के तुम्हें क्या लगा, पास्ट। अगर सिर्फ टेंस की बात करें तो ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है। जिस वर्ब से तुम्हें टेंस पता चल गया उसको क्या बोलेंगे हम, फाइनाइट। अब इस सेंटेंस को पास्ट टेंस से बदल के मैं प्रेजेंट टेंस पे ले आता तो क्या बनेगा, शी मेक्स मी राइट एन एप्लीकेशन, शी मेक्स मी राइट। तो ये बदला, मेड बदल के मेक्स हो गया, लेकिन राइट तो नहीं बदला। जो नहीं बदलता है टेंस के साथ वर्ब वो नॉन फाइनाइट कहलाता है। अब नॉन फाइनाइट तीन तरह के होते हैं, एक को हम कहते हैं इंफिनिटिव, नॉन फाइनाइट वर्ब्स, ठीक है। ये तीन तरह के होते हैं, इसको लिख लेते हैं हम लोग एक बार, इंफिनिटिव और जेरंड और पार्टिसिपल, ठीक है। नॉन फाइनाइट तीन, अब सबके बारे में एक सेशन में बात करना तो पॉसिबल नहीं है, तो आज हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे इंफिनिटिव के बारे में, वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो टेंस नहीं बनाता है बल्कि कुछ और करता है। तो देखते हैं क्या है नॉन फाइनाइट वर्ब को शॉर्ट में भी लिखूंगा मैं, आज बात करेंगे इंफिनिटिव के बारे में। और फिर से दो सेंटेंस लिखते हैं, ही वॉन्ट्स टू मीट यू और शी मेड मी राइट एन एप्लीकेशन। गौर से देखिएगा तो बहुत आसान सी बात पता चलेगी, यहां पे टू मीट वर्ब का पहला फॉर्म है, नॉन फाइनाइट है, चेक करके देखिए
ही वॉन्ट्स टू मीट यू, चेंज कीजिए टेंस, ही वॉन्टेड टू मीट यू, ये बदला ये नहीं बदला तो नॉन फाइनाइट है, वर्ब का पहला फॉर्म है इसलिए इसको क्या बोलेंगे इन्फिनिटिव. शी मेड मी राइट एन एप्लीकेशन, ये मेड फाइनाइट वर्ब है, उसने मुझे लिखवाया, इससे टेंस का पता चल रहा है. राइट वर्ब का पहला फॉर्म, अब इसको चेंज कीजिए, शी मेक्स मी राइट, तो ये दोनों वर्ब का पहला फॉर्म दोनों नहीं बदल रहा है, तो दोनों का मैंने नाम क्या रखा है इन्फिनिटिव एज नॉन फाइनाइट. दोनों में अंतर क्या नजर आ रहा है, क्या डिफरेंस है? यहां पे वर्ब के साथ मैंने टू लगाया और यहां राइट के पहले टू लगा हुआ नहीं है, तो टू के साथ जब वी बन आता है, अब एक नई बात सुनिएगा, उसको कहते हैं हम लोग फुल इन्फिनिटिव, ये डबल एल, और जब वी बन आएगा विदाउट टू तो उसको कहते हैं बेयर इन्फिनिटिव. तो अब ये पता चला वर्ब का पहला फॉर्म जब वो नॉन फाइनाइट है तो वो दो रूप में दिखेगा, टू के साथ और टू के बिना. टू के साथ दिखा तो उसको कहिए फुल इन्फिनिटिव, टू के बिना दिखा तो उसको कहिए बेयर इन्फिनिटिव. अब बात ये करनी है मुझे कि ये बात तो मैं क्लास वन के बच्चों को भी बता सकता हूं कि जब वर्ब के साथ टू लगा है इसको फुल बोलना है, टू नहीं है तो उसको बेयर बोलना है, इसमें खास क्या है? असल में चैलेंज तब है इस बात के पीछे जब हम लोगों को डिसाइड करना पड़ेगा कि कहां मुझे टू लगाना है और कहां मुझे टू नहीं लगाना है. ये कोई अपने मन की या मेरे ख्वाहिश की या मेरे इच्छा की बात नहीं है कि हम जहां चाहे टू लगाएं जहां चाहे नहीं लगाएं, बल्कि इसका रूल है. तो कहां कहां टू लगाया जाता है इसके बारे में बात की जाएगी तो शायद एक जिंदगी कम पड़ जाए. जो थोड़ी सी बात है जहां पे टू नहीं लगाना है उसके 6-7 छोटे छोटे रूल्स हैं, वो आप जान जाइएगा कि टू कहां कहां नहीं लगता है. तो उसके अलावा जहां जहां भी हम इस्तेमाल करेंगे इन्फिनिटिव को टू के साथ करेंगे. तो आज के क्लास का ऑब्जेक्टिव यही है मेरा कि मैं आपको ये बताऊं कि हम कब नॉन फाइनाइट के तौर पे यूज होने वाले वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में टू नहीं लगाते, और टू जिस वर्ब इन्फिनिटिव में नहीं लगा होता है उस इन्फिनिटिव का नाम है बेयर इन्फिनिटिव. इसके 6 रूल्स आज डिस्कस करेंगे हम लोग, 6 इंपॉर्टेंट रूल्स, देखते हैं आज कितना कर पाते हैं. अगर पूरा हो गया इसके वीडियो में तो ठीक, वरना हम इसका पार्ट 2 बनाएंगे. आज 3 रूल और अगले क्लास में फिर 3 रूल डिस्कस किए जाएंगे, देखते हैं. सबसे पहली बात, इस टू को हटाने को कहा जाता है ओमिशन ऑफ टू. ओमिट करने का मतलब होता है किसी चीज को छोड़ना, ओ एम आई टी, ये वर्ब है, इसका मतलब होता है लीव आउट. तो ओमिशन ऑफ टू का क्या मतलब, वहां वो सीखना है मुझे कि कहां कहां मुझे टू को छोड़ देना, टू को यूज नहीं करना. तो उसमें सबसे पहली चीज है, जो पहला रूल है वो है किसी भी मॉडल के साथ, ये जो वर्ब्स हैं विल और वुड, शैल और शुड, कैन और कुड, मे, माइट, मस्ट एंड ऑट टू, ये ऑट के साथ टू लगा रहता है, ये इसी का पार्ट मान लीजिए. इसलिए मैं इसके बारे में डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि ऑट टू ही इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन फिर भी हम इसको नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि ये टू आपको कंफ्यूज कर सकता है. तो ये मान लीजिए ऑट के साथ टू लगता है फिर वर्ब का पहला फॉर्म आता है, यू ऑट टू रेस्पेक्ट योर टीचर्स. बाकी सारे केसेस में अब गौर से देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि जैसे एग्जाम्पल मैंने कुछ लिखे हैं आपके लिए, देखिए आराम के साथ. पहला रूल क्या सीख रहा हूं, ओमिशन ऑफ टू आफ्टर मॉडल्स. किसी भी सेंटेंस में मॉडल्स के बाद अगर जो मैं वर्ब यूज करूंगा वो विदाउट टू यूज किया जाएगा. यहां पे गौर से देखिए, वी मे नॉट टू गो टुडे, शायद हम लोग आज ना जाएं, वी मे नॉट टू गो टुडे. तो ये जो सेंटेंस इसको रेड में मैंने हाईलाइट किया है, मे क्या है, मे एक मॉडल है, तो इसके साथ मैंने क्या इस्तेमाल किया, टू गो, और इसलिए सेंटेंस गलत है. मुझे बोलना चाहिए था वी मे नॉट गो टुडे, हो सकता है आज हम ना जाए. इसको देखिए, यू मस्ट टू कंसल्ट अ डॉक्टर. किसी बच्चे को आपने देखा कि वो बार बार उसको खांसी आ रही है या बुखार आ रहा है, तो आपने इसको बताया कि तुम्हें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, जरूरी है ये कि तुम जल्दी से करो, तो तुमने क्या कहा, यू मस्ट
टू कंसल्ट अ डॉक्टर। तो मस्ट क्या है बेटा, मस्ट एक मॉडल है, यहां पे लिखा हुआ है। इसके बाद मुझे क्या यूज करना चाहिए था, इंफिनिटिव यानी वर्ब का पहला फॉर्म विदाउट टू। तो करेक्ट फॉर्म क्या होता है इसका, यू मस्ट कंसल्ट अ डॉक्टर। मस्ट के बाद मैंने क्या यूज किया है, वर्ब का पहला फॉर्म विदाउट टू। तो ये पहला रूल हो गया कि जब भी किसी सेंटेंस में हमारे पास मॉडल्स हैं उसके पास वर्ब का पहला फॉर्म आएगा एंड दिस वर्ब फॉर्म विल बी यूज्ड विदाउट टू। तो पहला रूल ये खत्म होता है, इतना ही आसान है, आप ये पहले से भी जानते थे। अब देखिए आगे की बात करते हैं। इसमें एक छोटा सा ग्रामर पॉइंट है जो मैं चाहता हूं डिस्कस कर लूं आपके साथ। ग्रामर पॉइंट ये है कि दो वर्ड्स हैं ऐसे, इसमें तीन वर्ड, एक वर्ड और है जिसको लिखा जाता है यूज्ड टू, लेकिन चूंकि यूज्ड के साथ टू रहता है लगा हुआ पहले से ही, इसलिए मैंने इसको सोचा कि मैं लिखूं नहीं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे इस बात का। ये दो वर्ड्स हैं नीड और डेयर। नीड का मतलब होता है जरूरत होना, डेयर का मतलब होता है हिम्मत करना। ये दो वर्ब्स, इनको कहा जाता है सेमी मॉडल्स, यूज टू को भी कहा जाता है, लेकिन मैंने यूज टू को यहां से हटा दिया है क्योंकि आपको पता है कि यहां पर ये टू के बारे में ही बातचीत हो रही है, इसके साथ टू लगा रहता है हमेशा, इसको टू हटाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, तो ओमिशन में मैंने इसको हटा दिया आपको समझाने के लिए। बल्कि ये याद रखना है कि ये तीनों वर्ड एक ही फैमिली के हैं, तीनों को क्या कहा जाता है, सेमी मॉडल्स। अब इन वर्ब्स के बारे में एक बहुत ही अच्छी सी बात समझिए, ये तीन वर्ड्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, नीड, डेयर और यूज टू, जिनको हम मेन वर्ब के तौर पर भी यूज कर सकते हैं और ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पर भी यूज कर सकते हैं। जैसे आप गौर से देखना होगा इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये हो सकता है, कई तरह से मैं इसको समझा सकता हूं, लेकिन एक आसान सा तरीका, जैसे मैंने कहा आई ईट और मैंने कहा आई कैन स्पीक फाइव लैंग्वेजेस। हिंदी में बात कर रहा हूं, आसान हिंदी में, सब बच्चों को समझ में आएगा, इसलिए जो बच्चे हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनको भी देखना है वीडियो, समझना है, और कोई भी अगर दिक्कत आती है तो आप डाउट अपना लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में भी, और हम डाउट को पढ़ते हैं ताकि अगले वीडियो में आपके डाउट को डिस्कस कर सकूं। खैर, तो आई ईट एक पॉजिटिव सेंटेंस है, इसमें किसी चीज के होने का सेंस है, मैं खाता हूं। इसको मुझे नेगेटिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, एक शब्द है नॉट, ये लगाना पड़ेगा। लेकिन नॉट के साथ एक प्रॉब्लम है कि इसको हमेशा क्या चाहिए, एक ऑक्सिलरी वर्ब। तो मैं इस सेंटेंस को नेगेटिव करूंगा तो क्या मैं कह सकता हूं आई ईट नॉट, नहीं कह सकता ना, क्योंकि ईट एक मेन वर्ब है, नॉट को क्या चाहिए, ऑक्सिलरी वर्ब। और इसी वजह से मैं यहां पर क्या इस्तेमाल कर सकता हूं, आई डू नॉट। अब यहां पर लगाया मैंने ईट, मैंने ईट में नॉट नहीं लगाया, बल्कि ईट वर्ब का पहला फॉर्म है। और मैं अपने बच्चों को यह समझाता हूं कि वर्ब का पहला फॉर्म जब भी तुम अकेला देखो विदाउट एनी अदर ऑक्सिलरी वर्ब, तो समझ जाओ कि ये असल में डू प्लस वी वन है, ये वी वन डू प्लस वी वन है, जहां पे डू की आवश्यकता होगी मैं उसको बाहर निकाल। तो आई ईट, आई डू नॉट ईट, यहां पे नॉट किस पे लगाया जाता है, ये याद रखो कि नॉट हमेशा किस पे लगाया जाता है, ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। तो यहां पर इसको नेगेटिव किया, आई ईट आई डू नॉट ईट, ये गलत है और ये सही है। आई कैन स्पीक फाइव लैंग्वेजेस, यहां इसको अगर नेगेटिव करना है तो क्या करेंगे, कैन मेरे पास पहले से मौजूद है, कैन ए ऑक्सिलरी वर्ब है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, तो इसका नेगेटिव क्या बनेगा, आई कैन नॉट, चूंकि कैन है इसलिए नॉट लगा सकता हूं मैं, आई कैन नॉट स्पीक फाइव लैंग्वेजेस। तो मैं ये समझा रहा हूं कि किसी भी वर्ब को नेगेटिव करने के लिए नॉट लगाना पड़ता है, और नॉट हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब के साथ लगाया जाता है। इसको बैकग्राउंड में रखिए आगे की बात समझने के लिए। अब समझते हैं हम अभी की बात, सॉरी, वो ये बात है कि मैंने यहां पे नीड के साथ नॉट लगाया, क्या ये पॉसिबल है, करेक्ट है, तो आप बोलिए बिल्कुल सही है, क्योंकि नीड क्या है बेटा, नीड एक सेमी मॉडल्स है, और सेमी मॉडल्स के बारे में जानना है कि ये ऑक्सिलरी वर्ब भी हो सकते हैं और ये मेन वर्ब भी हो सकते हैं, इनको दोनों तरह से हम यूज कर सकते हैं। तो अगर यहां पर नीड के साथ नॉट लगाया तो सही है, क्योंकि नीड क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है, उस रूप में मैंने यूज किया है, तो यू नीड नॉट गो देयर। अब ये जब ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पे यूज किया है मैंने, तो इसका नाम क्या है, मॉडल, इसलिए हमने यहां पे भी टू गो नहीं लिखा है बल्कि गो लिखा है, क्योंकि नीड जब ऑक्सिलरी वर्ब है तो ये मॉडल जैसा बिहेव करता है, और मॉडल्स के साथ टू का इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। सो यू नीड नॉट गो,
लेकिन इसी शब्द को मैं अगर डोंट नीड कहूंगा, यू डोंट नीड, तो यहां पे मैंने नीड को कैसे यूज किया है, मेन वर्ब के तौर पे, तो यहां पे मैंने क्या लिखा है, टू गो, यू डोंट नीड टू गो देयर। तो ये बताना है कि सेमी मॉडल्स में जो वर्ड है खास तौर से नीड और देयर, अगर इसको मैं ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पे यूज करूंगा तो इसके साथ यूज करना है मुझे बेयर इंफिनिटिव, और अगर इसको मैं मेन वर्ब के तौर पे यूज करूंगा तो उसके साथ मुझे यूज करना है फुल इंफिनिटिव। मेन वर्ब यहां पे यू डोंट नीड टू गो, ये टू गो क्या है, फुल इंफिनिटिव। यू नीड नॉट गो, ये गो क्या है, बेयर इंफिनिटिव। तो इस तरह से हम लोगों ने दूसरा रूल भी सीखा, मॉडल्स के साथ टू नहीं लगता, सेमी मॉडल्स के साथ भी टू नहीं लगेगा, मगर सेमी मॉडल्स में यूज होने वाले शब्द मेन वर्ब के तौर पे भी यूज किए जा सकते हैं, तो वहां पे मुझे उनको फुल इन्फिनिटिव देना होगा। दो रूल समाप्त हुए। आगे तीसरा एक बहुत ही खूबसूरत सा पॉइंट है, इसको गौर से देखिएगा, लिखा है आफ्टर पॉजिटिव वर्ब्स, उसमें खास तौर पे वर्ब है मेक, हैव, लेट और हेल्प। हेल्प के साथ मैंने एक छोटा सा एस्टरस्क बनाया हुआ है, इसको देखिएगा। तो इन शब्दों को जब हम एक पॉजिटिव वर्ब के तौर पे यूज करते हैं तब, अब ये पॉजिटिव वर्ब का क्या मतलब हुआ, जब किसी वर्ब को देख के आपको ऐसा लगे कि उस वर्ब के द्वारा हम ये बताना चाहते हैं कि कोई आदमी कोई काम करता है मगर वो काम खुद से नहीं करता बल्कि उसको कोई और दूसरा व्यक्ति मजबूर करता है वो काम करने के लिए। जैसे कोई नौकर है मेरा, वो मेरी गाड़ी साफ कर रहा है, इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल, इसको इस तरह से नहीं लेना है कि मैं किसी को कम या किसी को ज्यादा समझता हूं। तो मैंने उसको कहा कि मेरी गाड़ी साफ कर, वो खुद से नहीं कर रहा है, उसको मैंने कहा, उसको उसके लिए मैं पैसे देता हूं। जब आप अपना बाल कटवाते हैं तो बाल हम लोग खुद से नहीं काटते, कटवाते हैं। तो जो आदमी काट रहा है मेरा बाल, वो खुद से नहीं आके काटने लगा बल्कि मैंने उसको कहा कि भाई मेरा बाल काट। तो ऐसी कई बार ये सिचुएशन होती है जहां पे सुन के ये लगता है कि सेंटेंस ये बताना चाह रहा है कि जो व्यक्ति कोई काम कर रहा है वो स्वतः नहीं कर रहा है बल्कि उसको कोई और कह रहा है, आदेश दे रहा है, पैसा दे रहा है, डरा के करवा रहा है, किसी तरह से कोई काम करवाया जाता। तो उस केस में हम लोग कुछ वर्ब यूज करते हैं, एक है मेक, एक है हैव, एक है लेट है, एक है हेल्प, है ना, एक और वर्ब है गेट, उसका यूज नहीं किया क्योंकि गेट के साथ हम टू लगाते हैं। हम अभी किसकी बात कर रहे हैं, उन वर्ब्स की बात कर रहे हैं जिसके बाद इन्फिनिटिव बेयर यूज किया जाता है। बहुत आसान सी बात है, जैसे मैं कहूंगा शी मेड मी, मेड द चिल्ड्रेन डू देयर होमवर्क, तो इससे क्या लग रहा है तुमको सुनकर के, उसने बच्चों से उनका होमवर्क करवाया। पॉजिटिव वर्ब है मेक, यहां पे मेक कैसे नॉर्मल मीनिंग होता है बनाना, कोई चीज बनाना, आई एम मेकिंग टी, मैं चाय बना रहा, यहां पे सुन के लग रहा है कि मेक या मेड कोई आदमी किसी दूसरे आदमी से कुछ करवा रहा है। तो यहां पे मेक को क्या बोलेंगे हम, पॉजिटिव वर्ब। तो जब भी मेक को, हैव को, लेट को, हेल्प को हम यूज करते हैं एज पॉजिटिव वर्ब तो उसके साथ हम यूज करते हैं बेनिफिटिव। अगर ये रूल ना होता तो मैं सेंटेंस ऐसे लिखता, शी मेड मी, मेड द चिल्ड्रन टू डू देयर होमवर्क, लेकिन ऐसा लिखा मैंने नहीं क्योंकि मेक के साथ क्या यूज करना है, बेयर इंफिनिटिव, अगर मेक क्या हो, एक पॉजिटिव वर्ड। द लॉयर हैड, ये हैव का पास्ट टेंस, हिज असिस्टेंट मेक कॉपीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, लॉयर ने अपने सहायक से कॉपी बनवाई, तो यहां पे है उसने कुछ करवाया, दे हैड द असिस्टेंट मेक, तो यहां पे असिस्टेंट से कुछ करवाया, तो यहां पे हैड एक पॉजिटिव वर्ब है और इस वजह से मैंने मेक के साथ टू का इस्तेमाल नहीं किया। मैंने क्या लिखा, द लॉयर हैड हिज असिस्टेंट्स मेक कॉपीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, एकदम आसान है। फिर देखो, डैड वुडंट लेट मी ड्राइव हिज कार, लेट के साथ मैंने क्या यूज किया, वर्ब का पहला फॉर्म विदाउट टू, कि डैड मुझे अपनी गाड़ी चलाने नहीं देंगे, तो लेट के साथ मैंने क्या यूज किया है, ड्राइव। अगर ये रूल नहीं होता तो मैं क्या बोलता, टू ड्राइव, जो कि सेंटेंस गलत है क्योंकि रूल है कि जब भी मैं मेक को, हैव को, लेट को और हेल्प को एज पॉजिटिव वर्ब यूज करूंगा तो उसके साथ आने वाला वर्ब यानी इन्फिनिटिव बेयर होना चाहिए। एक बात यहां पर छोटी सी बता दू, हेल्प के साथ एक आसान सी बात याद रखिएगा कि हेल्प अपने साथ फुल इन्फिनिटिव भी लेता है और बेयर भी लेता है, कोई सेंस में तब्दीली नहीं होगी, एक ही सेंस के लिए मैं बोल सकता हूं हेल्प, सॉरी जस्ट अ सेकेंड,
हेल्प मी टू ओपन द डोर। मान लो कोई दरवाजा है मुझसे खुल नहीं रहा है, मैंने किसी कहा कि मुझे दरवाजा खोलने में मदद करो, तो मैंने क्या लिखा, हेल्प मी टू ओपन द डोर। यह सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन इसी बात को मैं कह सकता था हेल्प मी ओपन द डोर। हेल्प के साथ यहां पे क्या लिखा मैंने, ओपन। ये वर्ब का पहला फॉर्म है विदाउट टू, इसलिए मैंने हेल्प के साथ एस्टरिस्क लगा दिया था कि इसके साथ दोनों संभावना है। लेकिन मेक के साथ, हैव के साथ या लेट के साथ मुझे जब भी यूज करना होगा बेयर इंफिनिटिव यूज करना। ये बात साफ समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए फिर कुछ और वर्ब्स हैं जिसमें मैंने लिखा है पे सी, वॉच, नोटिस, ऑब्जर्व, फील, हियर, बिड, लेट यहां पे भी लिखा हुआ है, बिहोल्ड एंड सेंस। ये सारे वर्ब जहां भी दिख जाए मुझे किसी सेंटेंस में और उसके बाद अगर इंफिनिटिव आया है तो समझ जाओ कि वो इंफिनिटिव बेयर होगा, यानी उसमें टू नहीं लगेगा। देखोगे आई वॉश्ड, यहां पे वॉश लिखा हुआ है, हिम मूव टू आ सीट एट द बैक, मैंने उसे पीछे सीट की तरफ जाते हुए देखा। जाना, मूव करना मतलब जाना भी हो सकता है, उधर गया। तो वॉश्ड हिम मूव, अगर यहां पे मैं लिख देता टू मूव तो सेंटेंस हमारा गलत हो जाता। बिल्कुल वैसे ही वी सॉ, सी है यहां पर, सॉ उसका पास्ट टेंस है, द बर्गलर क्लाइम ओवर द वॉल। क्लाइम वर्ब का पहला फॉर्म है, अगर ये रूल नहीं होता तो मैं क्या बोलता, टू क्लाइम, जो कि सेंटेंस को गलत कर देता। तो मैं कहूंगा वी सॉ द बर्गलर, बर्गलर कहते हैं सेंधमार को जो घर में तोड़ के घुस जाता है, बंद घर को दरवाजे तोड़ के घुस जाए उसको सेंधमार कहते हैं, बर्गलर कहते हैं। तो मैंने देखा उसको चढ़ता हुआ, तो सॉ है इसलिए मैंने यहां पे टू नहीं लगाया। ही हर्ड, देखो हियर है यहां पे, हियर यहां भी कहीं होगा, यहां पे गौर करो, हियर मतलब सुनना। वी हर्ड द टीचर कॉल हिज नेम, मैंने सुना कि टीचर ने उनका नाम पुकारा। अगर ये रूल नहीं होता तो मैं क्या कहता, ही हर्ड द टीचर टू कॉल हिज नेम, तो ये गलत हो जाता। और क्या लिखा हो, वी फेल्ट, यहां पे फील लिखा हुआ कहीं पे, आप गौर से देखिएगा तो आपको शायद नजर आए, यहां पे देखिए फील करने का मतलब महसूस करना। वी फेल्ट द ग्राउंड शेक, हम लोगों ने महसूस किया कि जमीन हिल रही थी बीनीथ आवर फीट, हमारे पैरों के नीचे। यहां वर्ब का पहला फॉर्म है मगर इसमें टू मैंने नहीं लगाया। तो इन सारे केसेस में आपने गौर क्या किया कि ये जो वर्ब है सी, वॉच, नोटिस, ऑब्जर्व, फील, हियर, बिड, लेट, बिहोल्ड और सेंस, इसमें कोई भी ऐसा वर्ड जो आप नहीं जानते उसको देखिएगा डिक्शनरी में, उसका मीनिंग लिखिएगा। कुछ आप भी एफर्ट लगाइए, हम लोग इतने अच्छे ढंग से आसानी के साथ सब कुछ पढ़ेंगे कि आपको एहसास भी नहीं होगा और आपका टॉपिक पूरी तरह से कवर हो जाएगा। इसलिए बहुत इत्मीनान के साथ पढ़िएगा, बहुत मजा आएगा। तो इन सारे वर्ब के साथ, जैसे बिहोल्ड एक वर्ड है, शायद आप इसका मतलब नहीं जानते होंगे, इसका मतलब होता है देखना। आपने सुना होगा एक पुरानी कहावत, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर, सुंदरता देखने वालों की आंख में होती, तो बिहोल्डर देखने वाला, तो बिहोल्ड क्या हो जाएगा, देखना। और एक है वर्ड बिड, बिड का कई मतलब होता है, यहां पे बिड का मतलब है आस्क या टेल, जिसका मतलब होगा कहना। तो इस सेंस में जब हमने यूज किया है बिड को तो वहां पे बिट के बाद आने वाला इन्फिनिटिव बेयर होगा, टू नहीं लगेगा। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद फिर एक छोटा सा नोट है, व्हेन इस नोट के बारे में आप इसको, ये मैं लिंक डाल दूंगा इस डॉक्यूमेंट का, एक पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे तरीके से, फिलहाल मेरा फोकस है इस पे। आगे जो चौथा रूल है, हम सीख रहे हैं कि कौन से ऐसे सिचुएशंस होते हैं जहां पे मुझे इन्फिनिटिव में टू नहीं लगाना है, इसको बेयर इंफिनिटिव कहते हैं, कहां कहां मुझे बेयर इंफिनिटिव यूज करना है। अब देखिए आफ्टर राधा या बेटर, ये जब अकेले आएगा तब, जब बेटर को मैं बोलूंगा इट इज बेटर तो बोलूंगा इट इज बेटर टू गो, लेकिन जब मैं बेटर को अकेले बोलूं बेटर गो, बेटर गो, बेटर गो, अच्छा होगा कि चलो जाओ। हैड बेटर, हैड राधा, हैड सूना, rather than, sooner than, would rather, या as soon, ये सारे expressions जब भी यूज किए जाएंगे सेंटेंस में और इसके बाद जो infinitive आएगा उसमें हम टू नहीं लगाएंगे। ये सारे के सारे एक्सप्रेशन आमतौर पर प्रेफरेंस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, कोई चीज को मैं प्रेफर करता हूं कि
किसी दूसरी चीज के ऊपर। देखिए यहां पे आई'ड रादर, ये वुड रादर का या हैड रादर का शॉर्ट फॉर्म है, हैड रादर या वुड रादर। आई'ड रादर सिट हियर, तो आई'ड रादर सिट, ना कि आई वुड रादर टू सिट। उस तरह से यू'ड बेटर कॉल अ डॉक्टर, सो यू'ड बेटर के साथ क्या इस्तेमाल किया मैंने, कॉल, यहां पे टू नहीं लगाया, लगाता तो गलत हो जाता। तो ये सारे एक्सप्रेशंस हैं, इनको जिस सेंटेंस में भी आप देखिए इसके बाद यूज होने वाला इन्फिनिटिव बेयर होगा, यानी इसमें टू नहीं लगेगा, इस बात का ख्याल रखना है। कॉमनर के क्वेश्चन में आ सकता है ऐसे क्वेश्चंस। उसके बाद जो हमारा पांचवा रूल है वो है कुछ प्रेपोजिशंस हैं जैसे एक्सेप्ट या बट या दैन, इनके बाद यूज करने वाला दैन, ऐसे कंजंक्शन भी है, कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जो कंजंक्शन भी है और प्रेपोजिशन भी है। जैसे एक एग्जांपल छोटा सा मैं तुम्हें देता हूं, कोई बच्चा पहली बार वीडियो देख रहा है या फिर वैसे टीचर्स जो दूसरे टीचर्स में बुराई ढूंढने को बैठते हैं, तो खुद भी उनको नॉलेज नहीं होता है अच्छा, इसलिए वो आधी अधूरी नॉलेज के साथ दूसरों को बदनाम करने के लिए कुछ पॉइंट ढूंढते रहते हैं। तो ऐसे मुश्किल होगा मेरे लेक्चर्स में कुछ ऐसी चीज ढूंढना किसी टीचर को, और बच्चे तो खैर बच्चे ही होते हैं। तो जहां भी आपको कुछ कंफ्यूजन हो आप पूछ लीजिएगा, ये समझिए कि ऐसा जो सर ने कहा क्यों कहा। तो मैंने बट के बारे में कहा, बट एक प्रपोजिशन है, तो इसको समझा देता कि बट का एक मतलब होता है लेकिन, और बट का एक मतलब होता है सिवाय। तो जब ये लेकिन है ना बेटा, तो ये कंजंक्शन है, सिवाय है तो प्रपोजिशन है, ऐसे अगर। तो यहां पर लिखा हुआ है आई डू एनीथिंग, मैं कुछ भी करूंगा एक्सेप्ट कुक। तो इस एक्सेप्ट के बाद क्या आएगा, वर्ब का पहला फॉर्म विदाउट टू, यहां पे टू रहता तो गलत हो जाता। अगर कोई कहता आई डू एनीथिंग एक्सेप्ट टू कुक, गलत हो जाता। शी डज नथिंग बट क्राई, यहां पे टू नहीं लगेगा, टू लगाते तो गलत हो जाता। शी डज नथिंग बट क्राई, यहां पे पॉइंट है मैं अभी समझाऊंगा। शी वुड प्रेफर टू स्टे सिंगल दैन मैरी दैट मैन, वो अकेली रहना पसंद करेगी, शादी नहीं करना पसंद करेगी, बजाय इसके कि वो उस आदमी से शादी करे। तो दैन के बाद मैंने क्या लगाया, वर्क का पहला फॉर्म, इसमें टू नहीं लगाया, इस बात का ख्याल रखेंगे। एक्सेप्ट बट दैन के बाद बेयर इन्फिनिटिव, ऐसे ही याद रखें। एक सिर्फ बट के साथ एक केस बनता है, इसको समझ लो। बट को हम दो तरह से यूज करते हैं, देखोगे सेम सेंस में। ये प्रपोजिशन है, इसका मतलब यहां पर इसका मतलब है सिवाय, ठीक है। बट का मतलब होता है सिवाय, देखोगे आई हैड नो अदर चॉइस बट टू ओबे माय फादर, कि मेरे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। चॉइस का एक मतलब विकल्प होता है, ऑल्टरनेटिव, ठीक है। बट सिवाय टू ओबे माई फादर, कि मेरे पास पापा की बात मानने के सिवाय और कोई विकल्प नहीं था। यहां पे बट के साथ मैंने लगाया है टू ओबे, और अभी हमने सिखाया था कि बट के साथ टू नहीं लगना चाहिए, लेकिन यहां पे बट के साथ टू लगेगा और ये बिल्कुल करेक्ट है। कैसे समझेंगे, बहुत आसान तरीका है, तुरंत समझाता हूं। फिर देखो आई या ही डज नथिंग बट स्लीप, तो यहां भी बट मैंने यूज किया है, और यहां पे बट के साथ वर्क का पहला फॉर्म है, इसमें टू नहीं लगाए, ठीक है। कैसे डिसाइड करेंगे, तो जिस बट के साथ डू का कोई भी फॉर्म आ जाए, जिस सेंटेंस में बट आए और बट के पहले डू आए, डू डज या डिड, तो वैसे केस में बट के साथ मुझे क्या यूज करना है, बेयर इन्फिनिटिव। लेकिन बट आए और उसके पहले डू डज डिड कहीं नहीं आए, तो यहां पे ना डू है ना डज है ना डिड है, बट अकेला है, दोनों का सेंस सिवाय है, यहां पे मुझे क्या यूज करना है, फुल इन्फिनिटिव। तो बट के साथ दो केसेस बन गए, एकदम आसान है, अच्छे से समझे। उसके बाद फिर यहां पे एक छोटा सा पॉइंट है, ये है एक नोट, इन द सेकेंड क्लॉज यहां पे दो सेंटेंसेस हैं, आई वॉन्ट यू टू टाइडी द हाउस, टाइडी करने का मतलब साफ करना, मैं चाहता हूं कि तुम घर की सफाई करो, एंड टू वॉश अप आफ्टर पार्टी, वॉश अप करने का मतलब होता है बर्तन धोना,
ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि तुम घर की सफाई करो और पार्टी के बाद बर्तन धो दो, करेक्ट। तो यहां पर क्या देख रहे हैं हम लोग कि दूसरे क्लॉज में टू इन्फिनिटिव स्ट्रक्चर्स आर कनेक्टेड यहां पे, तो दूसरे वाले क्लॉज में क्या कर रहे हैं हम, एंड के बाद जो इन्फिनिटिव आ रहा है इसके टू को हम ड्रॉप कर देंगे। मैंने क्लिक के काटा है ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। तो आई वॉन्ट यू टू टाइडी द हाउस एंड टू वॉश अप, ये कहने की जरूरत नहीं, आई वॉन्ट यू टू टाइडी द हाउस एंड वॉश अप। He decided to turn off the computer and go home. यहां मैंने टू लिख के काटा है, ये टू होना चाहिए यहां पे, लेकिन जब हम कनेक्ट कर रहे हैं एंड के साथ तो बाद वाले इन्फिनिटिव, यहां देखो टू टर्न ऑफ टू लगाए हैं, लेकिन एंड के बाद जो इन्फिनिटिव आ रहा है उसके साथ हम टू का इस्तेमाल नहीं कर रहे, ये थोड़ा अटपटा लगता है, इसलिए कंजंक्शन एंड के बाद आने वाले इन्फिनिटिव को हम टू नहीं दे रहे। उसके बाद ये फाइनल रूल है एकदम आसान सा, कई बार हम लोग किसी आदमी को कुछ बोलते हैं कि भाई ये काम बेकार है, अननेसेसरी है, क्यों रोना, क्यों इंतजार कर, तो हम बोलते हैं वाई, या कोई चीज कभी सजेस्ट करते हैं कि ऐसा क्यों ना करें, वहां पे हम सजेस्ट कर रहे हैं, ये सजेशन। तो जब भी वाई और वाई नॉट को हम इस सेंस में यूज करेंगे तो वहां पे हम इसके साथ क्या यूज करेंगे, बेयर इंफिनिटिव। जैसे यहां क्या लिखा हुआ है, वाई वेट, इंतजार क्यों किया जाए, तो why wait, मैं क्या नहीं बोलूंगा, why to wait, अगर ऐसा बोलता तो सेंटेंस गलत होता, why to wait wrong, why wait until later when we can do it now, यानी क्यों इंतजार करें बाद में देर में कोई काम करने के लिए, जब हम ये काम अभी कर सकते हैं तो इंतजार क्यों करें, यानी इंतजार करना अननेसेसरी है, बेकार। Why take a taxi? Why take? टैक्सी क्यों ले, अननेसेसरी है, वी कैन वॉक होम, हम लोग पैदल घर जा सकते हैं, टैक्सी से क्यों जाए, खामों का पैसा बर्बाद हो, तो why take? Why to take? गलत है। Why spend more money on something we can't afford? उस चीज पर पैसा क्यों खर्च करना जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो मैंने क्या कहा, why spend, ना कि why to spend। फिर यहां पे why not talk to him? Why not talk? क्या नहीं लिखा मैंने, why not to talk नहीं लिखा, बल्कि why not talk, यानी सजेस्ट करें क्यों ना उससे बात की जाए। तो इस तरह से इस वीडियो को आप दोबारा देख लीजिए, सारे रूल्स आपके सामने हैं, पीडीएफ भी डाल दिया जाएगा लिंक में, आप उसको भी कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो के बाद बेयर इन्फिनिटिव के बारे में जितने भी रूल्स आप सोच सकते हैं सारे के सारे आपके कंट्रोल में होंगे। मैंने कोशिश की है कि इस वीडियो को थोड़ा सा इसकी जो सैंक्टिटी होती है क्लास की, जो पढ़ाई होती है, पढ़ने का तरीका होता है, उस पर थोड़ी संजीदगी होना चाहिए। आजकल के वीडियोस का एक कल्चर है हू हड़ा हल्ला हंगामा, ये तुमको एंटरटेन करेगा सिखाएगा नहीं, तुम्हें सीखना है। और करियर बनाना एक बहुत ही सीरियस बिजनेस है, उस सीरियसनेस को अगर हम डायल्यूट कर देते हैं किसी भी तरह से तो तुम्हारे करियर के साथ वो खिलवाड़ है वो डायल्यूट हो जाएगा। तो करियर की संजीदगी को देखते हुए मैंने सोचा कि वीडियोज में जब मैं पढ़ाऊंगा तो पढ़ाऊंगा, अलग वीडियो में कभी जोक सुनाऊंगा कभी शेर सुनाऊंगा, मगर इस वीडियो में जब पढ़ाई का वीडियो बनेगा तो उसमें सिर्फ पढ़ाया जाएगा, कोई हंसी मजाक नहीं, कंसंट्रेशन के साथ आप पढ़िए। इस वीडियो को देखने के बाद आप, मुझे पूरा यकीन है कि कहां कहां बेयर इन्फिनिटिव लगाया जाता है आप समझ गए। थैंक यू सो मच।